जबलपुर कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री व सांसद के बीच कार को लेकर टकराव देखने को मिला। कलेक्टर कार्यालय के पोर्च से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गाड़ी बाहर कर सांसद राकेश सिंह की गाड़ी खड़ी करवा दी गई, जिससे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भड़क गए और उन्होंने फौरन पुलिस कर्मियों से कहा, यह कौन सा तरीका है, गाड़ी किसने लगाई यहाँ पर। पुलिस कर्मियों के द्वारा नहीं पता कहने पर केंद्रीय मंत्री और भी ज्यादा भड़क गए। जाते जाते उन्होंने पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए देश में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई। जबलपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित इसी कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल व सांसद राकेश सिंह भी पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के पोर्च से केंद्रीय मंत्री पटेल की गाड़ी बाहर करवाकर सांसद राकेश सिंह की कार लगा दी गई। वहीं जब केंद्रीय मंत्री पटेल कार्यक्रम के बाद जाने के लिए बाहर आए तो पोर्च उनकी गाड़ी की जगह सांसद की गाड़ी लगी थी। उनकी गाड़ी पोर्च से बाहर खड़ी थी, जिससे केंद्रीय मंत्री भड़क गए थे। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही मीडिया से भी बिना रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गुस्से में कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकल गए। आखिर ऐसा किसने किया, यह अभी तक सामने नहीं आया है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।